हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ कोरोना वायरस थर्ड वर्ल्ड वार। क्योंकि आपने पहले वर्ल्ड वार के बारे में सुन चुके हैं, दूसरे के बारे में सुन चुके हैं, लेकिन आज हम तीसरे वर्ल्ड वार के बारे में बात करेंगे कि क्या ये कोरोना वायरस है, ये तीसरे विश्व युद्ध के रूप में दुनिया के सामने आया है या नहीं। इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। एक वायरस आपके सामने इस समय आ रहा है जिसका नाम कोरोना वायरस कह सकते हैं, या इसे आप कोविड-19 कह सकते हैं। लेकिन आज इसकी हजारों व्याख्याएं मौजूद हैं। हर देशों में अलग अलग कह रहे हैं कि ये इस देश से आया है, इस देश से आया है, इसलिए बनाया गया है, या प्राकृतिक है, मानव निर्मित। ऐसे कई व्याख्याएं आपके सामने डेली न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में ये दिखाया जा रहा है हमारे सामने। यानी कि जितने मुंह उतनी ही बातें हो रही हैं। कोरोना वायरस को कई लोगों ने तो बहुरूपिया ही कह दिया है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ऐसा वायरस है जो प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित है और चीन के वुहान की प्रयोगशाला में बनाया गया है। बताया तो ये जा रहा है कि वुहान में चमगादड़ों पर रिसर्च कराई जा रही थी, उसी रिसर्च के चक्कर में यह वायरस कोरोना वायरस या कोविड-19 चमगादड़ से चमगादड़ में फैल गया और फिर लोगों में फैलने लगा और लोगों की सांसें धीरे धीरे बंद होने लगी और वे पटापट मरने लगे। कोई बताता है कि इसी वुहान की एक प्रयोगशाला में इसके प्रयोगों को करने के लिए अमेरिका धन देता था। कोई कहता है कि यह शुद्ध चीनी सरकार द्वारा बनाया गया है। कोई कहता है कि यह चीन के मुनाफाखोर पतित कम्युनिज्म और अमेरिका के बड़े कारपोरेटरी पूंजीवाद की एक मिलीजुली भगत है। इसी तरह कोई कहता है कि यह एक नई जैविक युद्ध का ट्रायल रन था, तो कोई कहता है कि यह तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ है जिसमें एक ओर चीन व दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के देश हैं और भारत देश किसी की ओर से नहीं है, क्योंकि उसे नुकसान दोनों ही तरफ से होगा। अगर वह चीन का साथ देगा तभी नुकसान होगा, और अगर वह अमेरिका और यूरोप के देशों का साथ देगा तो भी उसे नुकसान ही उठाना होगा। कुछ कहते हैं कि चीन ने अमेरिका की आर्थिक ब्लॉक मेल का जवाब देने के लिए अमेरिका के खिलाफ यह छोड़ा है ताकि अमेरिका चीन से आर्थिक टक्कर में जीत ना जाए। कोई कहता है कि अमेरिका ने इसे वुहान में इसलिए विकसित कराया ताकि पहला शिकार चीन बने और वह कमज़ोर हो जाए, पर लगता है कि किसी कारणवश यह खतरनाक जैविक हथियार अपने बनने की शुरुआती प्रक्रिया में ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसने आदमी की सांस, थूक, छींक और संपर्क में ही अपना घर बना लिया, जिसके माध्यम से चीन में सबसे पहले तो महामारी फैलाई, उसके बाद आज पूरी दुनिया में इसके कारण से महामारी एकदम फैली हुई है और लगातार तेजी से फैल रहा है और आज पूरी दुनिया इसके भय से त्राही त्राही कर रही है। अब तक यह महामारी जो कोरोना वायरस है दुनिया भर में लगभग 20 लाख लोगों को प्रभावित कर चुका है और करीब इस 20 लाख में से लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी भी प्रतिदिन पूरे दुनिया में देखा जाए तो 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में करीब इतने लोगों की प्रतिदिन मौत होती है, क्योंकि न तो इसका कोई इलाज है और ना ही कोई इसका टीका भी प्रेजेंट टाइम में है और पूरी दुनिया आज इसी दवा की खोज में लगी है। लेकिन एक देश अपवाद है, वह आपका नॉर्थ कोरिया। वह आज भी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, लगातार मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है। अभी कल ही की बात है कि एक उसने मिसाइल की टेस्टिंग की है। बताइए, इस समय सभी देश मर रहे हैं, महामारी के चक्कर में चपेट में आ चुके हैं, जिसे हम सबसे ताकतवर मानते थे, चाहे वो यूरोप के कंट्री हो या आपके जो आपका अमेरिका है, ऐसे जो देश हैं उसको हम मजबूत मानते हैं, लेकिन सबसे अधिक मार उन्हीं को पड़ी है। कई लोग मजाक में इसे यह मेड इन चाइना बीमारी कहते हैं जो चीनी खान पान से पैदा हुई है, लेकिन चीनी इसका खंडन करते हैं। इसे मेड इन चाइना कहने पर उन्हें एतराज है, क्योंकि भाई एतराज तो होगा ही होगा किसी को आप अगर चिढ़ा रहे हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि यह मेड इन चाइना है, ये चाइनीज वायरस है। कई लोग यह भी कहते हैं कि वहाँ किसी व्यक्ति ने चमगादड़ का सूप पिया और उससे कोरोना वायरस फैल गया, क्योंकि ऐसी ही कहानी हॉलीवुड की 2011 में एक फिल्म आई थी जिसे हम कंटेजियन के नाम से जानते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक चीनी चमगादड़ के कुतरे हुए फल को संयोगवश एक सुअर खा लेता है और फिर उस सुअर के मांस को कुछ लोग खा लेते हैं और फिर उनके संपर्क में जो भी आता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, वह संक्रमित हो जाता है। देखते ही देखते 2 गुना 4 गुना 8 गुना इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाता है और इस गति से बढ़ता है कि जिससे एक महामारी का रूप ले लेता है। इस फिल्म को आज भी आप जाकर YouTube चैनल या इस तरह से जो हॉटस्टार है या अन्य जो आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप इस फिल्म को भी देख सकते हैं। चीन का कहना है कि उसने रिकॉर्ड 70 दिनों में इस पर काबू पा लिया, दुनिया को दिखा दिया कि वही अब असली सुपर पावर है, ना कि अमेरिका देश।
क्योंकि अमेरिका देश अभी भी महामारी से, इस कोरोना वायरस महामारी से लगातार लड़ा और पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रभावितों की संख्या आज अमेरिका में है। प्रेजेंट टाइम में लगभग 6 लाख से अधिक लोग हैं जो अमेरिका में कोरोना वायरस से प्रभावित चल रहे हैं, जबकि चीन ने दिखा दिया कि कोई भी उसकी तुलना में नहीं है। उसी ने बीमारी दी, उसी ने उसे कंट्रोल कर दिया। अब अगर इससे बचना है तो चीन की शरण में जाओ, उससे वेंटिलेटर खरीदो, सुरक्षा कवच खरीदो, दवा खरीदो, क्योंकि वही इन सबका सबसे बड़ा निर्वाह है। नए उदारवादी ग्लोबल नीतियों के चलते जिन अमेरिकी यूरोपीय बहुराष्ट्रीय निगमों ने चीन के सस्ते श्रम को देख वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई और वहाँ के बने सामान दुनिया भर में बेचकर अथाह धन कमाया और चीन से भी कमाई करवाई, वही देश अब कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए जरूरी लॉकडाउन करने के बजाय उसे जनता में फैलने दे रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपीय कंट्री में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस तरह से अमेरिका में कोरोना वायरस शुरुआती दौर में था तो ट्रंप ने कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया और इससे जनता में सामूहिक रोग अवरोधक क्षमता पैदा हो जाए जिससे दवाई बनाई जा सके और इस तरह से इस बीमारी से भी धन कमाया जा सके। चाहे इस चक्कर में लाखों मरे तो मरे, ट्रंप की नीतियां भी कॉरपोरेट के हित साधने वाली हैं, जिसके केंद्र में आदमी की जिंदगी नहीं बल्कि मुनाफा ही मुनाफा है। जैसा आपने अमेरिका में देखा, ऐसे ही यूरोपीय कंट्री में वहाँ पे भी लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है बहुत ही लेट, जब वहाँ पे हालत ख़राब हो गया, जब हालत बहुत ही गड़बड़ हो गया, तब वहाँ पे जाकर लॉकडाउन किया गया है। और चीन का भी यही हाल है, इसलिए जैसे ही वुहान में कोरोना वायरस कंट्रोल हुआ है उसने शहर को रोशनियों से जगमगा दिया और दुनिया को बता दिया कि अगर कोरोना से लड़ना है तो चीन से ये खरीदो वो खरीदो। इस तरह से यह एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है जो विश्व के बाजारों को एक बार फिर अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। कोरोना वायरस इसका एक हथियार है, वो चीन का मान सकते हैं, जिसके कारण से सभी देशों की अर्थव्यवस्था हिल रही है। अब अगर कोरोना वायरस को रोकना है तो सब कुछ बंद करना होगा। सब कुछ बंद करने का मतलब क्या हो गया कि आपके जो देश की अर्थव्यवस्था जिसके माध्यम से चलती है सभी को रोकना होगा, आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना होगा और घाटा उठाना होगा। और घाटा क्यों उठाना होगा? क्योंकि कर्ज देने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेशन द्वारा संचालित, चाहे वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक जिसे हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं और ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ साथ चाइना, उसको लोन देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के देशों ने पिछड़ों देशों को अपनी कॉलोनी बनाने व बसाने का काम छोड़ दिया। अब उसी काम को चीन देश लगातार कर रहा है और चीन देश चाहता भी है कि वह दुनिया को अपना बाजार बनाए, आपको देशों में बेल्ट रोड कॉरिडोर बनाए और आपको नई कॉलोनी बनाए। कॉलोनी का यहाँ पे मतलब ये होता है कि देश आपका हो लेकिन अधिकार दूसरे का हो, ये आपको समझना होगा, ताकि चीन का सामान आपके देशों में बिना रोक टोक के बाजार में आ सके। और यह है चीन का नव साम्राज्यवाद का नक्शा, जो इन दिनों अमेरिकी यूरोपीय नव साम्राज्यवाद से टकराता दिखाई दे रहा है। इसलिए यह लड़ाई लोगों के स्वास्थ्य, अस्तित्व व जीवन शैली को बदलने व जीतने की लड़ाई है, ताकि जो सक्षम उपभोक्ता है वह ही जीवित रहे, बाकी मरते हैं तो मरने दें, जो गरीब देश हैं वो परेशान है तो परेशान होने दें, बस जो अमीर है वही बचे रहें, बस ये इसका मकसद है इस कोरोना वायरस को फैलाने का। यह एक नया जैविक युद्ध है जिसमें विश्व की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां आदमी को ही कॉलोनी बनाने के लिए चला रही हैं, जिसकी एक कमान चीन के हाथ में है तो दूसरा बड़े बड़े कॉरपोरेशन और उनके राजनीतिक रहनुमाओं के हाथ में है। अपवाद तो सिर्फ भारत देश है जिसने आम आदमी के जीवन को मुनाफेबाजी से ऊपर रखकर और इसलिए एक लंबा 40 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया है कुल मिलाकर। पहले आपको पता है कि 21 दिन का किया गया था और कल से ही 19 दिन का और कर दिया, कुल मिलाकर लगभग 40 दिनों का लॉकडाउन भारत में कर दिया गया है। जाहिर है कि जीवन मरण के इस युद्ध में भारत वह तीसरा पक्ष है जो विकल्प दे सकता है कि हमें पहले अपने जीवन को बचाना होगा, उसके बाद हम देश की अर्थव्यवस्था को बचाएंगे, क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो हम उनके लिए पैसा या कुछ भी रखें उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्या दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, चाहे इसमें अमेरिका का हाथ हो, चाहे इसमें चाइना का हाथ हो या किसी का भी हाथ हो, लेकिन सबसे अधिक नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है और सबसे अधिक नुकसान उन देशों को हो रहा है जहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि सबसे अधिक गरीबी है, जहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ही कमजोर हैं, उनको सबसे अधिक नुकसान इस महामारी के कारण से होगा। इसी प्रकार से बने रहिए, बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।